नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। वो हिंदी सिनेमा की सबसे ज़रूरी महिला डायरेक्टर्स में से एक थी। खैर, उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि उन्हें कोई महिला फिल्म मेकर कहे। बात कर रही हूँ कल्पना लाजमी जी की। वो बस फिल्म मेकर ही थी। जीवन में उन्होंने सिर्फ 6 फीचर फिल्में डायरेक्ट की। 23 सितंबर को भोर अंधेरे में वो चली गई। बहुत कष्ट में थी, दोनों किडनी शरीर से निकाली जा चुकी थी। बीमारी लंबी चली थी, इलाज के पैसे भी उनके पास नहीं थे, दोस्तों और माँ ने संभाल रखा था। लेकिन कल्पना लाजमी को याद करते हुए कोई बेचारगी नहीं है, हो ही नहीं सकती। जिसके सामने पुरुष नर्वस हो हुए बगैर खड़े नहीं हो सकते थे, वो थी कल्पना लाजमी। आइए बताते हैं आपको उनकी बेहतरीन फिल्मों के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। पेंटर ललिता लाजमी की बेटी थी, वही जो तारे जमीन पर फिल्म में बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता की जज बनकर आती हैं। कागज़ के फूल और प्यासा जैसी महान फिल्में बनाने वाले गुरुदत्त उनके सगे मामा थे। वो 31 मई 1954 को पैदा हुई, बम्बई में बड़ी हुई। घर में उनके अलावा उनका भाई देवदास था। परिवार प्रगतिशील था, लेकिन कल्पना का कहना था कि उनका बचपन पीड़ा भरा था। उनके पिता शराब बहुत पीते थे और इससे वो बहुत परेशान होती थी। उनके जीवन में दो ही पुरुष थे जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। पहले थे उनके पिता गोपी लाजमी, जो नेवी में कैप्टन थे, और दूसरे सिंगर, गीतकार और आर्टिस्ट भूपेन हजारिका। शुरू से ही कल्पना बागी और आक्रामक नहीं थी, वो मासूम थी। और मिल्स एंड बून रोमांस नावल पढ़कर जवानी में कदम रखे जैसे नौजवान होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी फिल्मों में ठोस ज़मीनी और मुश्किल महिला पात्र रचे। कल्पना ने 1971 में बम्बई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई की। वहाँ उनकी मुलाकात भूपेन हजारिका से हुई, जो कल्पना के ही अंकल आत्माराम की फिल्म आरोप के लिए म्यूज़िक बना रहे थे। तब कल्पना सिर्फ 17 साल की थी। वो भूपेन की पर्सनालिटी से बहुत अट्रैक्ट हुई। 5 साल इस रिश्ते में रहने के बाद वो सब कुछ छोड़कर कलकत्ता में भूपेन के फ्लैट में रहने लग गई। शुरू में उनके पापा को लगा कि ये आकर्षण जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनका और भूपेन का रिश्ता 40 साल तक चला। उन दोनों ने कभी शादी नहीं की। लंबे समय तक असम के पारंपरिक समाज से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया गया। दोनों को दिक्कतें आईं। कल्पना की माँ ललिता भी कभी भी उनके इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थी। फिल्मों में उनकी शुरुआत श्याम बेनेगल को असिस्ट करने से हुई। उनकी फिल्म भूमिका में वो कॉस्ट्यूम असिस्टेंट थी। बाद में बेनेगल की ही फिल्म मंडी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई। देवानंद ने कल्पना को अपनी फिल्म हीरा पन्ना में जिनत अमान वाला रोल ऑफर किया था, पर उन्होंने मना कर दिया। साल 1978 में कल्पना ने भूपेन हजारिका के साथ मिलकर अपनी कंपनी शुरू की। उसी के अंतर्गत अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री डीजी मूवी पाइनियर डायरेक्ट की। ये फिल्म बंगाली फिल्म मेकर धीरेन गांगुली की लाइफ पर बेस्ड थी। उन्होंने 1986 में अपनी पहली फीचर फिल्म एक पल डायरेक्ट की। इसमें शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, दीना पाठक और श्रीराम लागू लीड रोल में थे। कल्पना और गुलजार ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, हजारिका ने म्यूजिक कंपोज किया था। ये अपने समय से काफ़ी आगे की फिल्म थी। एक ऐसी औरत की कहानी थी जो शादीशुदा होने के बाद भी किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना स्वीकार करती है, और इसे लेकर उसे कोई पछतावा नहीं होता। वो नतीजे भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। कल्पना ने 1988 में दूरदर्शन के लिए लोहित किनारे नाम का सीरियल डायरेक्ट किया। इसमें तन्वी आजमी ने लीड रोल किया था। तन्वी आजमी वही हैं जिन्होंने बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव बने रणवीर सिंह की मां राधाबाई का रोल किया था। कल्पना लाजमी जी और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन दीपिका को शायद ये पता नहीं था। कल्पना जी ने एक बार कहा था, दीपिका और मैं सारस्वत ब्राह्मण हैं, उनकी और मेरी फैमिली की जड़ें कश्मीर में हैं। हम कश्मीरी पंडित हैं जो वहाँ से बैंगलोर आकर बस गए थे। मेरे मामा गुरुदत्त बैंगलोर में रहते थे और दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण भी।
दीपिका पक्का मेरी रिश्तेदार हैं, हालांकि उनको ये बात पता नहीं होगी। लाजमी की सबसे यादगार और अमर कर देने वाली फिल्म है रुदाली, जिसे बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस साल फिल्म की रिलीज को 25 साल हो गए हैं। ये बंगाली राइटर महाश्वेता देवी की लिखी लघु कथा पर बेस्ड थी। फिल्म राजस्थान की ऐसी औरतों के बारे में थी जिनको किसी के मरने पर पैसे देकर रोने के लिए बुलाया जाता है, उन्हें रुदालियाँ रुदन करने वाली कहा जाता है। डिम्पल कपाड़िया ने ऐसी ही ग्रामीण औरत शनिचरी का रोल किया था। इसमें शूटिंग के दौरान वो सख्त हालात में रहीं। राजस्थान में शूटिंग के दौरान उनको निमोनिया भी हो गया था। उनके अलावा एक्ट्रेस राखी फिल्म में बनकी नाम की रुदाली बनी थी। दुनिया जहान में इस फिल्म को सराहा गया, अवार्ड मिले, लेकिन राखी नाराज़ हो गई थी। उनका कहना था कि डायरेक्टर कल्पना ने उनके सीन्स काट दिए और डिम्पल कपाड़िया का रोल मजबूत कर दिया, जबकि ये दो हीरोइन वाली फिल्म थी और उनका रोल भी बराबरी का होना चाहिए था। खैर, इस फिल्म की विरासत ऐसी है कि लंबे समय तक बनी रहेगी। इसके गाने भी कभी बुला नहीं पाएंगे लोग। उसके बाद कल्पना ने दरमियां डायरेक्ट की। इसमें किरण खेर, आरिफ जकारिया, तब्बू और सायाजी शिंदे जैसे एक्टर्स थे। ये 1940 और 50 के हिंदी फिल्म उद्योग में सेट कहानी थी। इसमें एक एक्ट्रेस है जिसका करियर उतार पर है। उसका एक बेटा पैदा होता है जिसे होमोफ्रोडाइट नाम की मेडिकल कंडीशन है। वो पुरुष और स्त्री दोनों के सम्मिलित अविकसित जनांगों के साथ पैदा होता है। ऐसी स्थिति वाले लोगों को समाज हिजड़ा कहने लगता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। कहानी में आगे माँ और बेटे का एक जटिल रिश्ता नज़र आता है। पहले इस रोल में शाहरुख खान को लिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। फिर आरिफ जकारिया ने ये रोल किया। उसके बाद दमन आई। शादी के बाद मैरिटल रेप इसका विषय था। ये एक तरह की घरेलू हिंसा और रेप है जिसे न जाने कितनी पत्नियाँ उत्पीड़ित होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे लेकर जागरूक नहीं होती, और होती हैं तो चुप रहती हैं। भारत सरकार के परिवार कल्याण विभाग ने इस सामाजिक विषय पर कुछ करने के लिए कल्पना को कॉन्टैक्ट किया था। उन्होंने दमन की कहानी लिखी। रवीना टंडन ने इसमें दुर्गा का रोल किया था, जिसका हिंसक पति सायाजी शिंदे जो बने हैं उसके साथ मैरिटल रेप करता है। कल्पना की इस फिल्म से रवीना को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिर उन्होंने सिंहासन नाम से एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा होनी थी। कल्पना इसमें ऐश्वर्या राय को लीड रोल में लेना चाहती थी। अगर ऐसा हो पाता तो ऐश्वर्या राय का करियर, मतलब जो पहला रोल होता उनके करियर का, उसमें वो राजनेता का रोल करती। बतौर डायरेक्टर उनकी आखिरी दो फिल्में क्यों और चिंगारी थी। चिंगारी में सुष्मिता सेन ने एक गांव की वेश्या बसंती का रोल किया था, जिसके साथ गांव का मुख्य पुजारी मिथुन चक्रवर्ती जो बने थे वो रेप करता है। एंड में बसंती उसका संहार करती है। कल्पना की ये दो फिल्में अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब प्रशंसनीय थी। काफ़ी सालों से वो किडनी के कैंसर का इलाज करवा रही थी। इस मुश्किल समय में उनकी पक्की दोस्त सोनी राजदान उनके साथ खड़ी थी, जो लाखों रुपए का खर्चा आता था उसमें मदद करती थी। उनके अलावा आलिया भट्ट, रोहित शेट्टी, आमिर खान, सलमान खान, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, मीना गुप्ता और उनके पुराने दोस्तों ने भी उनकी मदद की। उनकी दोनों किडनी निकाली जा चुकी थी और ये डायलिसिस पर थी। इसके बावजूद उनको यकीन था कि वो ठीक हो जाएंगी। कल्पना ने याद किया था कि इस वक्त में उनकी माँ ललिता लाजमी उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रही। उन्होंने ये भी कहा था कि वो फिर से फिल्में बनाना शुरू करेंगी और बेचैन हो रही हैं, जैसे ही पैरों पर खड़ी होंगी लौटेंगी। उन्होंने अपने जीवन साथी भूपेन हजारिका पर एक बुक भी लिखी, भूपेन हजारिका द वे आई न्यू हिम। वो भूपेन के जीवन पर द टेम्पेस्ट नाम से फिल्म बनाने की प्लानिंग भी कर चुकी थी, कास्टिंग चल रही थी। उनसे पहले पूजा भट्ट ये फिल्म बनाना चाहती थी। उनकी बीमारी ने जब उनको पूरी तरह से तोड़ दिया था ना, तो भी उनका कहना था कि मेरी किडनीज फेल हुई हैं, मैं नहीं। तो ये थी डायरेक्टर कल्पना लाजमी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा पेज लाइक करिएगा फेसबुक पर, द ललन टॉप। अगर ये वीडियो देखी है यूट्यूब पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।